डिजास्टर के कारण जब एक लड़की दूसरे एक शहर में फंस जाती है, तब उसके पापा और बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए किन कठिन परिस्थितियों के अंदर से गुजरते हैं, हाउ इट एंड्स मूवी की इसी जर्नी को लेकर आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। मूवी के शुरू में समंथा और उसकी पार्टनर विल को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। समंथा प्रेग्नेंट थी और उसकी यूएसजी हो रही थी। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और विल समंथा को बताता है कि वो उन लोगों की शादी के बारे में समंथा के पापा से बात करेगा। विल शिकागो जाता है एक मीटिंग के लिए और रात को वहाँ से समंथा के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है। समंथा के पापा का नाम टॉम है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। टॉम विल से एग्रेसिवली सवाल करता रहता है, पर समंथा के मम्मी पॉला परिस्थिति को संभाल लेती है। अगली सुबह समंथा विल को कॉल करके जगाती है और विल देखता है कि वो फ्लाइट के लिए लेट हो गया है। उसके बाद फोन लाइन में कुछ दिक्कत आने लगते हैं और समंथा बोलती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो डरी हुई दिख रही थी, तभी कॉल ड्रॉप हो जाता है। फिर विल उसे कॉल नहीं कर पाता है और वो एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। एयरपोर्ट जाके विल देखता है कि सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं और वहाँ पे न्यूज चैनल से उसे पता चलता है कि साउदर्न कैलिफोर्निया के कोस्ट के इलाके में भूकंप की वजह से लॉस एंजलिस के साथ संपर्क टूट गया है। ये न्यूज दिखाते दिखाते न्यूज चैनल का सिग्नल भी उड़ जाता है। उसके बाद विल एयरपोर्ट से निकल के एक टैक्सी पकड़ के समंथा के पेरेंट्स के घर के तरफ जाता है और रास्ते में समंथा को बार बार कॉल करता रहता है, परंतु कॉल कनेक्ट नहीं होता है। समंथा के पेरेंट्स के घर पहुंच के विल सब बताता है। टॉम पैकिंग करने लगता है और उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि कुछ फाइटर प्लेन्स सिटी के ऊपर से उड़ रहा है। टॉम उसके बैग के अंदर एक बंदूक रखता है और विल से पूछता है कि वो सिएटल से समंथा को लाने के लिए टॉम के साथ जाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ पॉला उसके बेटे का घर जाती है। टॉम और विल गाड़ी लेके निकलता है और पूरे शहर में ट्रैफिक जैम होता है। कॉलिंग फैसिलिटी, जीपीएस सभी बंद हो जाते हैं और शहर में डर का माहौल फैल जाता है। सभी लोग फूड और फ्यूल खरीदते हुए दिखाई देते हैं। विल गाड़ी में पेट्रोल डालता है और टॉम खाना खरीदने के लिए जाता है। तभी उन दोनों को कुछ लोग लूटने आते हैं, पर टॉम उन्हें अपने गन से डरा के भगा देता है। वो दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं और गाड़ी में विल टॉम से बहस करता है कि टॉम ने उसे गन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तब टॉम कहता है कि अगर वो लोग उनके गाड़ी चोरी कर लेते तो अब तक सब खत्म हो जाता। फिर एक जगह आर्मी उन लोगों को हाईवे पर से गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं देते हैं, तो टॉम बहुत अनुरोध करता है और वो लोग मान जाते हैं। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं। रास्ते में विल और टॉम देखते हैं कि एक ट्रेन आर्मी इक्विपमेंट लेके पश्चिम की तरफ जा रहा है। रात को जब वो गाड़ी चला रहे थे, तब एक पुलिस वैन उन लोगों को रोकता है। विल उनसे बात करने उतरता है, पर टॉम समझ जाता है कि ये असली पुलिस नहीं है, तो गाड़ी रिवर्स करके वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर जाके उन लोगों के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं, तो हिरन को बचाने के लिए वो लोग रास्ते के साइड पे गाड़ी क्रश कर देते हैं और वो पुलिस वैन उनका पीछा करते हुए यहाँ पे आ जाता है और एक पुलिस विल को बाहर आने के लिए कहते हैं। तभी टॉम पीछे से उस पुलिस के सर पर जोर से वार करता है। टॉम को लगता है कि गाड़ी क्रश के वजह से शायद उसका रिब फ्रैक्चर हो गया है। फिर वो लोग पुलिस कार की मदद से उनके गाड़ी को गैराज ले जाते हैं। दूसरे दिन वो दोनों एक ट्रेलर पार्क में जाते हैं। वहाँ के गैराज में वो लोग रिकी नाम की एक लड़की से मिलते हैं, जो उनकी गाड़ी ठीक कर देती है, पर ये भी बताती है कि गाड़ी फिर से खराब हो सकता है। टॉम उसे एक्स्ट्रा पैसे की लालच देके साथ आने के लिए कहता है। रिकी $2,000 के बदले में उनके साथ आने के लिए राजी हो जाती है। फिर रिकी अपने साथ टूल किट लेके उन लोगों के साथ निकल जाती है। उसी रात रिकी विल को एक कॉम्पस देती है जिसका सुई स्पिन कर रहा था। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक गाड़ी उनके तरफ चला आता है और डिसबैलेंस होके रास्ते के साइड में पलट जाता है। वो लोग निकल के देखता है कि उस गाड़ी के अंदर एक लड़की थी जो मर गई है और एक आदमी बहुत जख्मी हो गया है। टॉम उन लोगों को गाड़ी में वापस जाने के लिए कहता है, पर रिकी उसे छोड़ के जाना नहीं चाहती है।
तो फिर विल और टॉम उसे वहीं पर छोड़ के जा रहे होते हैं। तभी एक और गाड़ी एक्सीडेंट साइट पे आके रुकता है, तो वो लोग वापस जाके रिकी को गाड़ी में बिठा के ले आता है। बाद में जब वो लोग गाड़ी रिफिल करने के लिए रुकते हैं, तब वहाँ पे बिजली के खंभे के ऊपर बिजली गिरते हुए दिखाई देता है और बारिश शुरू हो जाता है। उसके बाद वो लोग आंधी के बीच में ही गाड़ी चलाने लगते हैं और एक ब्रिज के नीचे जाके शेल्टर लेते हैं। अगले दिन आंधी रुक जाने के बाद वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। रास्ते में एक शेरिफ उन लोगों को गाड़ी रोक के पूछताछ करता है और विल परिस्थिति समझाने के बाद शेरिफ उन लोगों को छोड़ देता है। फिर वो लोग विल के एक दोस्त के घर जाते हैं। वहाँ पे उसके दोस्त की बीवी मैग उन्हें बताती है कि उसके पति एडम, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है, उसे 4 दिन से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। विल उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो लोग वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो लोग एक क्रश्ड मिलिट्री हवाई जहाज पड़ा हुआ देखता है और रिकी बोलती है कि शायद उसे मार के गिराया गया है। फिर वो लोग एक अबंडेंट वाटर पार्क पहुंचता है और रिकी स्विम करने के लिए पानी में जंप करती है, पर पानी गर्म होने के कारण वो तुरंत पानी से बाहर आ जाती है। इसे देख के विल और टॉम हंसने लगते हैं। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। रिकी आसपास के गाड़ी से फ्यूल और स्पेयर पार्ट्स कलेक्ट करने लगती है और दूसरी तरफ टॉम और विल खाना और पानी ढूंढते हैं। उसी रात टॉम को समांथा की एक 2 दिन पुराना वॉइसमेल मिलती है, जिसमें वो कहती है कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। फिर उन लोगों को कुछ ही दूरी पर आग दिखाई देते हैं और बहुत सारे लोग उनकी तरफ आते हुए भी दिखाई देते हैं। उसके बाद एक औरत उन लोगों को रोकती है और कहती है कि उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए हैं। फिर वो लोग उस लड़की की मदद करती है। तभी एक आदमी पीछे से बंदूक लेके आता है और उन लोगों का फ्यूल लेके भागने की कोशिश करता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और रिकी उसकी गाड़ी के टायर में गोली मारती है, तो उसका गाड़ी पलट जाता है और वो लोग गाड़ी का फ्यूल वापस ले लेता है। उसके बाद वो गाड़ी ब्लास्ट करता है और वो आदमी मर जाता है। रिकी अपने आप को दोषी मानती है और उन लोगों के साथ आने के लिए पछताती है और उन लोगों से अलग हो जाती है। अगली सुबह विल और टॉम गाड़ी लेके निकल जाते हैं। उसके बाद टॉम खांसते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो लोग सामने एक ट्रेन, जो कि एक्सीडेंट करके वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको देख के रुक जाता है। तभी टॉम की तबीयत खराब हो जाता है और वो विल से कहता है कि शायद उसके लंग्स पे चोट आया है, तो विल उसे गाड़ी के पीछे बिठाता है और ड्राइव करने लगता है। टॉम विल से प्रॉमिस करवाता है कि वो समांथा को खुश रखेगा। विल ये प्रॉमिस करता है और बताता है कि समांथा प्रेग्नेंट है। टॉम बताता है कि उसे इसके बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि उस रात डिनर के बाद समांथा अपने पापा को कॉल करके सब बता दी थी। टॉम और विल के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है और टॉम विल को कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा पिता भी बनेगा। उसी रात तबीयत और बिगड़ने की वजह से गाड़ी के अंदर ही टॉम मर जाता है और फिर गाड़ी भी खराब हो जाता है। तो दुख और गुस्से में विल उस गाड़ी को टॉम के साथ जला देता है और पैदल चलने लगता है। विल एक आदमी से लिफ्ट मांगता है और वो आदमी उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है, पर विल का गन ले लेता है क्योंकि उस आदमी का फैमिली भी गाड़ी के अंदर था। फिर विल उसके पापा के घर जाता है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता है। विल उस फैमिली को खाने और रेस्ट करने के लिए कहता है। अगले दिन विल वहाँ से एक ट्रक लेके निकल जाता है और वो सिएटल पहुँच के देखता है कि आकाश से ऐश गिर रहे हैं। वो गाड़ी से एक मास्क निकल के पहन लेता है और बंदूक हाथ में लेके गाड़ी से बाहर आता है। जिस अपार्टमेंट में वो और समांथा रहते थे, लैडर से चढ़ के वो वहाँ पे जाता है, जो कि ऑलमोस्ट टूट चुका था, परंतु दीवार पर एक एड्रेस मिलता है जो कि समांथा लिख के गई थी। उसके बाद उस एड्रेस पे जाके विल समांथा से मिलता है और फिर विल उसको बताता है कि उसके पापा अब नहीं रहे। विल समांथा और जेरेमिया नाम के एक लड़के के साथ एक कैंप फायर में बैठे हुए दिखाई देता है और तभी जेरेमिया उन लोगों को समझाता है कि असल में ये भूकंप नहीं था और उसे लगता है कि ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोशन हुआ था, जो कि सबसे छुपाया जा रहा है। विल इस बात को विश्वास नहीं करता है और समांथा के साथ सोने चला जाता है। रात को विल नीचे आता है और जेरेमिया को ट्रक के अंदर देखता है
और अगली सुबह पूछने पर जेरेमिया बताता है कि उसने दो बच्चों को गाड़ी से कुछ चुराते हुए देखा है। विल उसे पूछता है कि वो बच्चे कहाँ हैं, तो जेरेमिया उसे जंगल के अंदर ले जाता है। तभी कुछ हिरन वहाँ से दौड़ के जाता है और जेरेमिया अपना गन निकालता है। विल उसे बोलता है कि वो समंथा के साथ नॉर्थ में जाने वाला है और पूछता है कि जेरेमिया उन लोगों के साथ जाना चाहता है कि नहीं, पर वो कहता है कि समंथा यहीं पर रुकना चाहती है। जब विल उसे फिर से बोलता है कि वो कोई बच्चे को नहीं देख पा रहा है, तो जेरेमिया पीछे मुड़ के विल की तरफ गोली चलाने वाला होता है, पर उससे पहले ही विल उसे मार देता है। फिर एक और भूकंप होता है और विल समंथा के पास भाग के जाता है। फिर वो दोनों ट्रक निकाल के चलने लगते हैं, तभी उनके पीछे एक बड़ा एक्सप्लोशन होता है और एक धूल का बादल उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। विल समंथा से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो लोग चलते रहते हैं और धूल का बादल उनका पीछा करते रहते हैं। और इसी फ्रेम के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक बेड डॉग और एक कैट इंसान में बदल जाने के बाद क्या करते हैं, तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।